हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल केवीएस लर्निंग लैब 28। आज हम हमारी नई टेक्स्ट बुक द वर्ल्ड अराउंड अस, जिससे कि आपको पता है कि अब ईवीएस जो है वो बदल करके उसका नाम द वर्ल्ड अराउंड अस हो गया है। उसका फर्स्ट यूनिट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज में से सेकेंड चैप्टर गोइंग टू द मेला हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। The Mela has finally come to town. Neeta and Radha are getting ready to go to the Mela. Neeta aur Radha bilkul tayar ho rahe hain mele mein jaane ke liye. There is a lot of excitement. Ab kahin pe bhi jab hame mele ya kisi picnic mein ya kahin jana hota hai to hamare ghar mein waise bhi badi excitement shuru ho jati hai. The Mela is a little far from home. Ghar se thoda dur hai. So they need to take a bus aur unhe bus mein jana hoga. Radha, Neeta and theek hai. What's happening? You all seem to be very busy, asked दादी। तभी दादी जी वहां आती है, बोलती है कि भाई तुम सब लोग बहुत बिजी लग रहे हो, हुआ क्या है? We are going to the mela, दादी जी, please come with us। अब दादी जी नीता और राधा बोलती हैं कि आप भी चलिए ना, हम लोग तो मेले में जा रहे हैं। मेला? Oh yes, your other mother asked me to come along too। आपकी माँ ने भी मुझसे पूछा था। I would have loved to, but you know my leg hurts, said दादी जी। अब दादी जी कहते हैं कि बेटा मुझे भी आपकी माँ ने भी बताया, लेकिन आपको पता है कि मेरे पैरों में दर्द है, अदरवाइज मैं आपके साथ जरूर आती। नीताज फादर ज्वाइन द कन्वर्सेशन। तभी नीता के पापा वहां आ जाते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस, हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अवर नेबर्स नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा एंड हिज फैमिली। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी में से स्नेहा और रोहित आ रहे हैं, इनफैक्ट उसके चाचा भी आ रहे हैं। चाचा को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल अंकल, और उनका परिवार भी। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, वो ट्रेन से ही आ रहे हैं। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। अब पापा बोल रहे हैं कि अपनी माँ को कन्विंस कर रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम सब आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी अब मुस्कुराने लगी एंड आंसर ऑल राइट आई विल कम, ठीक है चलो मैं आज अब तुम आपके साथ चलूंगी। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल, क्या सबने पानी की बोतलें भर दी हैं? ओ यस दादी जी, आर स्पेशल बैग इज रेडी टू। हाँ दादी जी, हमने भर दिए और हमारा बैग रेडी है, नीता रिप्लाइड। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैज अग्रीड टू कम। नीताज फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग देम टू बी रेडी ऑन टाइम। नीता के फादर ने भी उन्हें बोला, अपने नेबर्स को बुला करके बोला कि भाई समय से रेडी हो जाए। इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। तभी मोहन चाचा जी का भी फोन आ गया कि मैं आपको डायरेक्टली मेला में मिलूंगा। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। मतलब मेला काफी दूर है, क्योंकि पहले तो वो ट्रेन से आ रहे हैं, फिर वो सिटी बस लेंगे और उसके बाद वो ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचेंगे। वाओ, देयर आर सो मेनी ऑफ अस, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम राधा। नाउ राधा इज वेरी एक्साइटेड कि हम कितने सारे लोग इकट्ठा होके मेले में जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर। अब स्नेहा और रोहित जो उनके साथ आ रहे थे वो सिर्फ उसके पड़ोसी ही नहीं हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू, वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू मेला, वो भी मेला जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेट देयर मदर। अब मम्मी ने फटाफट बोला कि बेटा स्नेहा जल्दी रेडी हो जाओ, नीता की फैमिली जल्दी आती होगी। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ माँ, ऑलमोस्ट रेडी हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी, मैं बस श्योर हो रही हूँ कि मैंने सारी चीजें वो ले ली हैं जो मुझे चाहिए। स्नेहा एडेड, इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज हेयर, चलो चलो जल्दी करो, बिकॉज नीता की फैमिली आ गई है, अनाउंस देयर फादर। Soon after they all left for the mela, अब सब मेला के लिए निकल गए। नीता held दादी जी's hand, अब नीता देखो बड़ी अच्छी समझदार लड़की है, उसने अपनी दादी के हाथ को पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, right? And led her slowly to the bus stop, और वो धीरे धीरे उन्हें बस स्टॉप की ओर लेके जा रही हैं। देखिए कैसा ध्यान रखना होता है बड़े लोगों का। They walked carefully on the road, बहुत ध्यान से वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, keeping an eye on the vehicle, व्हीकल के ऊपर ध्यान रख करके, रोड क्योंकि क्रॉस करना है, मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। बस नंबर 401
एंड स्लोली केम टू अ हॉल्ट। अब धीरे से 401 नाम की जो नंबर की जो बस है वो आती है और धीरे से वहां बस स्टॉप में रुकती है। द कंडक्टर एंड नीता'स फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन। कंडक्टर और दादा जो नीता के पापा हैं वो सब दादी की हेल्प करते हैं बस में चढ़ने के लिए। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल। जैसे कि आपको पता है कि बसों में भी जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए एक स्पेशल सीट रिजर्व होती है। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट ताकि उन्हें धक्का मुक्की ना लगे और वो दादी जी आराम से वहां पे जाके बैठ गई। एवरी वन बोर्डेड द बस। सबने बस को बोर्ड कर लिया था, बोर्ड मतलब चढ़ जाना। एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी और सब लोग दादी जी के आसपास आके बैठ गए। रोहित फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट। रोहित के फादर ने बोला कि नहीं, टिकट मैं खरीदूंगा फॉर एवरी वन। 5 full and 4 half tickets please। अब बच्चों के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी फुल टिकट लगती है और जो छोटे होते हैं उनकी हाफ टिकट लगती है। ही सेड टू द गाइड। अब 5 में कौन कौन हो गए? 5 में जैसे कि हमें पता है कि नीता के मम्मी पापा और स्नेहा के मम्मी पापा और दादी जी, और 4 जो टिकट थी वो स्नेहा, रोहित, नेहा और इनकी थी, 4 बच्चों की थी। ही सेड टू द कंडक्टर, ही टोल्ड द चिल्ड्रेन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। उन्होंने कहा देखो अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ और ज्यादा जंप नहीं करना है। ही ऑल्सो आस्क देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडोज फॉर देयर सेफ्टी। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी चलती हुई बस से बच्चों को अपना हाथ और सर बाहर विंडो से नहीं निकालना है। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। अब फाइनली बस उनकी सिटी में पहुंच गई थी और वो उस बड़े से ग्राउंड में पहुंच गई थी जहां पे मेला होने वाला था। नाउ एट द मेला बोथ द फैमिलीज रीच द बिग परेड ग्राउंड। सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम द ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा भी फटाफट से अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गए ऑटो रिक्शा से उतर के। एट द एंट्रेंस देयर वॉज अ मैप टू द मेला। अब मेला में जैसे ही घुसने वाले थे वहीं पर ही क्या था, एक मैप था। ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशन। अब मैप होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से स्टॉल में कहाँ कहाँ जाना है। एन एम्बुलेंस, वहां पर एम्बुलेंस थी। ये देखिए पूरा यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, तो वहां पे एम्बुलेंस थी, राइट। पुलिस जीप, पुलिस की जीप थी। एंड फायर इंजन, फायर इंजन भी आप देख सकते हैं वो था, वर पार्ट नेक्स्ट टू इट। देर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। अब यहाँ पे इस पेज में आप देख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, फर्स्ट एड वाला, ये भी था वहां पे, ठीक है। बूथ विद वॉलेंटियर्स। मोहन चाचा एंड रोहित हरी टू गेट द व्हील चेयर फॉर दादी जी। और फटाफट से वो वहां पर गए मोहन चाचा और रोहित और दादी जी के लिए व्हील चेयर लेकर आए। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ मेला, ठीक है। एज दे एंटर्ड दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स। जैसे वो वहां पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स थे। हियर यू कैन सी टॉयज एंड गेम्स, स्वीट्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। मिठाइयों की दुकान थी, यहाँ पे लल्लू हलवाई यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, बच्चे उसको देख के खुश हो गए। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वो फटाफट से टॉय के स्टॉल में पहुंच गए। From where they brought spinning tops, वहां पे जा करके उन्होंने अपने लिए लट्टू खरीदे। स्पिनिंग टॉप्स का मतलब होता है लट्टू। पपेट्स खरीदे, फिरकीज एंड डॉल्स। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। हियर आप मैरी गो राउंड देख सकते हैं, राइट। मैरी गो राउंड में गए, ठीक है। एंड दिस इज जायंट व्हील एंड आई सपोज दिस इज मैरी गो राउंड। यहाँ पे मैरी गो राउंड ये रहा, yes, here you can see, yeah, ये merry-go-round है, right? And the giant wheel. Sneha and Radha bought bangles and other tinklets. अब राधा और स्नेहा जाते हैं और अपने लिए चूड़ियां और बहुत सारी एसेसरीज अपने लिए खरीदती हैं। Let us go and see magic show now. चलो चलते हैं और magic show देखते हैं, said Nita. They also then enjoyed the magic show. मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। आपको उन्होंने, मोहन चाचा ने कहा कि आज आपको बहुत सारा मजा आया। नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, अब चलो कुछ मिलके खा लेते हैं।
बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर डे. इससे पहले कि आप कुछ खाएं आपको अपने हाथ धोने हैं. द चिल्ड्रन वेंट टू द वॉटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स. दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोले, कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलिशियस थिंग्स. आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन टू द इन द डस्टबिन. और उन्होंने खाने के बाद जितना भी वेस्ट था सारा का सारा डस्टबिन में डाला. एज दे वर लीविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम, जब वो जा रहे थे तो दादी जी ने कहा, लुक चिल्ड्रन हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर. देखो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है. All the children answered together, Dadi ji, it is a police dog. ये तो पुलिस का डॉग है. राइट. तो ये कंसेप्ट बच्चों को समझाने हैं. हियर अनदर वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कुंभ मेला. ये पूरे चैप्टर में एक मेले के बारे में बताया गया है. कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल. ये दुनिया का बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है. इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड. इस मेले में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं. एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ, और ये जो मेला होता है ये हमेशा गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी के किनारे होता है. बैंक्स ऑफ, बैंक का मतलब है किनारा, इन नदियों के किनारे होता है. इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर. ये साल भर, ये 12 साल में एक बारी मनाया जाता है. इन हरिद्वार, हरिद्वार में होता है. प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, ये जगहें हैं जहां पे कुंभ मेला लगाया जाता है. हरिद्वार में, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन. ये बच्चों को बताना है. फिर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ. बच्चों को लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज द रोल ऑफ अ पुलिस डॉग. ओके, पुलिस डॉग का काम क्या है. हैव यू एवर बीन टू अ मेला, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला. सो फिर उसके बाद बच्चों को इस चीज के प्रैक्टिस घर पे देनी है ताकि बच्चे अपने आप से एक मैप बनाना सीखें. कि उनका, अगर वो स्कूल से लेकर के घर तक जा रहे हैं तो उसके बीच में क्या क्या चीजें उनको देखने को मिलती हैं. दिस इज ड्राइंग ऑफ मैप, रीडिंग द स्केच. नाउ हियर दिस इज वन मोर एक्टिविटी. हियर यू हैव टू मैच, जैसे कि फायर फाइटर्स, तो हियर यू कैन सी फायर फाइटर्स, इट विल बी हियर. हलवाई और कन्फेक्शनर, मिठाई बनाने वाले को हलवाई या कन्फेक्शनर कहा जाता है. हियर इट विल कम. टॉय सेलर, जो टॉयज बेचता है, हियर यू कैन सी द टॉयज. पपेटियर, पपेटियर यानी जो पपेट्स हम देखते हैं, राइट, उसको जो चलाता है. बैंगल सेलर, चूड़ियां बेचने वाला. वॉलेंटियर्स, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ में वॉलेंटियर्स हमें देखने को मिलते हैं. पुलिस ऑफिसर की अपनी एम्बुलेंस, अपनी जीप होती है. मेडिकल अटेंडेंट, वो भी मेले में होते क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है. मेहंदी आर्टिस्ट. सो दिस इज हाउ द मैचिंग कैन बी डन. सो हियर वी एंड आवर चैप्टर. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.